नमस्ते, कानून देखी पर बतकही शुरू करें। आज जस्टिस आर एफ नरीमन 7 साल की जजशिप के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। मैंने आपसे बात की थी ना कि जिस दिन जज ज्वाइन करते हैं और जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन वो चीफ जस्टिस की कोर्ट शेयर करते हैं, चीफ जस्टिस की कोर्ट में उनके साथ बेंच शेयर करते हैं। आज भी वही हुआ, परंपरा का पालन किया गया। चीफ जस्टिस ने पहले अपने रेगुलर मैटर सुने, इसके बाद बेंच बदली, यानी चीफ जस्टिस और जस्टिस सूर्यकांत पहले अंदर गए और उसके बाद चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस आर एफ नरीमन, ये तीनों आए, तीनों वहाँ बैठे। और इसके बाद अमूमन ये होता है कि जिस दिन इस तरह की रस्मी बेंच बैठती है तो कुछ नॉर्मल से मैटर्स पे सुनवाई होती है, इसके बाद शुरू हो जाता है बार की तरफ से या जो वकील वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिस मुकदमे को लेकर, वो लोग विदाई भाषण करते हैं। उसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक शेर दिल जज इस महान इंस्टीट्यूशन से आज विदाई ले रहा है और उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं हमेशा इनको मिस करता रहूँगा, क्योंकि जस्टिस नरीमन के साथ बेंच में रहना या उनके साथ, उनका बेंच में रहना या उनके साथ सारी बातचीत और उनके सुझाव, कानून के प्रति उनकी गहरी समझ, उनकी निष्ठा, उनको लेकर वो हमेशा बहुत ही मतलब खुश रहे हैं और बहुत प्रभावित रहे हैं। तो जाहिर है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ने उनको हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये सारी बातें हुई। अगर हम कोर्ट की बड़ी दिलचस्प बातों की बात करें तो कई बार ऐसे मुकदमे आते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे कई बड़े मुकदमे देखे, कवर किए, उसमें राम जन्मभूमि का मुकदमा यानी अयोध्या विवाद जो 40 दिन लगातार चला, वो अपने आप में एक अलग मिसाल है, अलग कहानी है। रोज़ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग दिलचस्प चीज़ें आती थी। मैंने पिछले दिन आपसे बात की थी कि वहाँ रिकॉर्ड इतने ज़्यादा थे कि कोर्ट के इस दीवार से लेकर उस दीवार तक कम से कम 13-14 बक्से, बड़े बड़े, इससे बड़े साइज के बक्से, और उनके अंदर रिकॉर्ड रखे हुए थे। ये आपको बताऊं कि जस्टिस, जब ये पांचों जजों की बेंच वहाँ मामले की सुनवाई करती थी तो कि मिस्टर के पाराशरन, जो मंदिर पक्ष के सबसे बड़े वकीलों में से एक शुमार होते हैं, वो लगभग 92 साल की उनकी उम्र थी उस समय, और वो जो पहले दिन आर्ग्यूमेंट के लिए खड़े हुए तो जूते साइड में खोल देते थे और नंगे पांव वो खड़े होकर बहस करते थे। इससे पहले भी हमने देखा पाराशरन साहब को, लेकिन कभी उनको ऐसे नंगे पांव जुराबों में बहस करते हुए नहीं देखा। पहला दिन जब हुआ वो खड़े होकर बोलने लग गए, जिस दिन मामला शुरू ही हुआ था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हम सबके सीनियर हैं और जितने साल हमारी उम्र है उतने साल करीब आपने बेंच में, बार में गुजारे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बैठकर ही अपनी बातें कहें तो सही रहेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट की मर्यादा है और मुझे भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने शुरू किया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को लेकर इस मामले में, फिर बात आगे बढ़ी और 40 दिनों तक चली। लेकिन जब जब वो कोर्ट में आते थे और उनको अपना टर्म होता था अपनी बात रखने का, तो कोर्ट में आने के बाद वो जूते बिल्कुल साइड में रखते थे और नंगे पांव वो बहस करते थे, सिर्फ जुराबें होते थे उनके पैरों में। इसके अलावा कई ऐसे दिलचस्प मोड़ आए। एक बार तो ये आया कि राम जन्मभूमि का पुराना एक नक्शा था और जो मस्जिद पक्ष था वो उस नक्शे से सहमत नहीं था, तो जैसे अभी संसद में आपने देखा कि कागज़ उड़ाए गए, तो उन्होंने वो नक्शा फाड़ के, राजीव धवन ने नक्शा फाड़ दिया और यूं लुटा दिया। हालांकि कोर्ट ने फिर उनको ये कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन ये भी एक घटना के गवाह हम लोग बने वहाँ। इसके अलावा कोर्ट में आए दिन, जैसे आज जिस दिन किसी जज की विदाई होती है उस दिन माहौल काफ़ी भावुक भी रहता है और SCBA हमेशा जज की विदाई के समय सुप्रीम कोर्ट के लॉन में एक कार्यक्रम रखता है जिसमें सारे जजेज आते हैं, सारे वकील आते हैं, और उसमें वो जज भी होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं जिनका रिटायरमेंट होना है, और फिर सारी बातें होती हैं। तो आज जस्टिस नरीमन ने बहुत ही भावुक अंदाज में याद किया अपने सारे उस्तादों को, गुरुओं को, जिन्होंने उनको सिखाया, नर्चर किया, और फिर उनको जस्टिस एम एन वेंकट चलैया को भी याद किया उन्होंने, जिन्होंने उनको 37 साल की उम्र में सीनियर का गाउन पहनने का अवसर दिया। सुप्रीम कोर्ट की नियमावली के मुताबिक
कोई भी वकील कम से कम 45 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, 10 साल से ज़्यादा का उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामलों की पैरवी करने का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जस्टिस नरीमन ने बताया कि वो कौन सा पॉइंट था जिस पर जस्टिस एम चीफ जस्टिस एम एन वेंकट चलैया ने उनको सीनियर का गाउन ऑफर किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया उनको सीनियर एडवोकेट का, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की नियमावली में बदलाव किया गया। और तभी जस्टिस नरीमन ने बोला कि कोई भी मामला हो, मेरिट उसमें डिजर्व करती है, विषय तो कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें मेरिट होनी चाहिए। और फिर 7 साल वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आज उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है। कोर्ट रूम के रोज कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत सा घटता है, और जब से वर्चुअल हियरिंग हुई है तब से तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो अपने आप में दिलचस्प होती हैं। अभी कल की ही बात है, एक वकील साहब जो कहीं रिमोट एरिया के थे, वो इससे पहले तो हमने उनको देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने अदालत को योर ऑनर कह के संबोधित किया। तो पहले तो बेंच थोड़ा सा अचकचाई, दोनों जजों को थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने बोला कि मिस्टर काउंसल, या तो आपने कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकालत नहीं की है, या आप हमें लोअर कोर्ट के जज समझ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं हैं। सिर्फ लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जजों को योर ऑनर कह के संबोधित किया जाता है, आप हमें सर भी कहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी वकील साहब पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने कहा यस योर ऑनर। उन्होंने कहा आप फिर वही गलती कर रहे हैं, आप हमें सर कहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अदालत की गरिमा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसे आपको फॉलो करना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को या तो सर कहें या माई लॉर्डशिप कहें, योर ऑनर हमेशा लोअर कोर्ट में कहते हैं। और उन्होंने जब तीसरी बार कहा यस योर ऑनर, तो कोर्ट ने कहा कि या तो आपको बिल्कुल आप इनोसेंट हैं, या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद सुनवाई तो चली, उन्होंने कहा कि अगली बार आप थोड़ा प्रिपेयर होकर आइएगा, क्योंकि आपका जो पिटीशन है वो भी बिल्कुल अधकचरा है, कच्चा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और लगनी हैं, और इस तरह से पिटीशन फाइल नहीं होते। तो अव्वल तो आप संबोधन को लेकर सजग हो जाइए, और दूसरे पिटीशन कैसे फाइल होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा आप होमवर्क कीजिए और उसके बाद लेकर आइए। ऐसे ही हाल के दिनों में बहुत मुश्किल आती है कि कई बार वकील भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, और कई सीनियर एडवोकेट्स ने बोला कि माय लॉर्डशिप, हमें तो कई बार अपनी बीवी की मदद लेनी पड़ती है या जूनियरों की मदद लेनी पड़ती है, कैसे ये वर्चुअल हियरिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी हम नहीं हैं। तो उसमें कोर्ट भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बताया कि उन्हें भी तकनीक का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लिहाजा उनका जो टेक्निकल स्टाफ है वही सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो आप भी चाहें तो इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी हंसी हल्की फुल्की बातें भी होती हैं सीरियस बहस के बीच, जिसमें कोर्ट का काम स्मूथली चलता। और कई वकील तो अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए बहुत मशहूर हैं, जैसे राजीव धवन साहब हैं, जब भी वो कोर्ट में बहस करते हैं तो गंभीर से गंभीर बात के समय भी वो ऐसी बातें छेड़ देते हैं जिससे कि कोर्ट का माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाता है। हाँ, अभी याद आया, सुप्रीम कोर्ट में जब ये अयोध्या मामला चल रहा था उस समय एक मुद्दे पर बहस थी कि क्या राम वहीं पैदा हुए थे, क्या इसके सबूत हैं, या सिर्फ ये एक लोगों की भावना है, भावनात्मक रूप से लोग सोचते हैं। इस पर सभी वकील अपनी अपनी दलीलें दे ही रहे थे, अचानक कि वकील साहब के जूनियर जो पीछे हमारे दर्शक दीर्घा में थे उनका फोन बज गया, और फोन की जो कॉलर ट्यून थी वो थी मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस था, और एकदम से धुन बजती है, सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं किसके फोन से बजा, बेंच एकदम बिल्कुल खामोश, बेंच भी देखती है कि किसके फोन में बजा, और लोगों को लगा कि अब कोई नाराजगी होने वाली है। तब तक सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा माय लॉर्डशिप, लेजेंडरी लता मंगेशकर,
इसके बाद माहौल बिल्कुल हल्का हो गया और इतनी देर में जिनके फोन में वो धुन बज रही थी वो सक पकाते हुए बिल्कुल बाहर निकल गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय ये संजोग था, जिस समय ये बात चल रही थी, क्या रामचंद्र वहीं पैदा हुए थे उसी चबूतरे पर, या फिर ये लोगों का सिर्फ मानना है। इसमें इस पक्ष से मंदिर पक्ष की ओर से तर्क दिए जा रहे थे कि उस पुराण में ऐसा है और उसमें गजेटियर में ये है, उसकी किताब में ऐसा है। एक बहुत यात्री आया था, विदेशी यात्री, उसने अपनी किताब में ऐसा लिखा है और अंग्रेजी अफसरों ने ये लिखा है। इटली का एक टूरिस्ट आया था, उसने ऐसा लिखा है। और इधर से ये कहा जा रहा था कि इतना बड़ा महल था तो क्या चबूतरे पे ही पैदा हुए, इसके क्या सबूत हैं। तो ये सारी चीजें उस पर गाना बजा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो इसके साथ और इसका कंक्लूजन कहाँ होता है, सबको लगा कि कोर्ट नाराज हो गए या क्या होगा, लेकिन तब तक राजीव धवन ने मामला संभाला और उन्होंने कहा कि नो वन नॉट अदर देन लेजेंडरी लता मंगेशकर माय लॉर्डशिप। और इसके बाद गंगा के पानी की तरह वो मामला बह गया और इसके बाद कानूनी नुकतों पर बहस शुरू हो गई। ये तो कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें जो मुझे अचानक याद आ जाती हैं, कौंध जाती हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आगे भी मैं इसको शेयर करते रहेंगे। अब कुछ ऐसी खबरों पर बात कर लें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो एक बड़ी खबर जो जस्टिस नारीमन का रिटायरमेंट है उसके बारे में तो मैंने आपको बताया, और एक चीज़ और सीक्रेट है जो SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने शेयर की डाइस से। उन्होंने कहा कि जस्टिस नारीमन की बहुत सारी खासियत हैं, एक तो ये कि ये अपने धर्म के यानी पारसी धर्म के ये शीर्षस्थ पुजारियों में से हैं, यानी उनके जो प्रीस्ट होते हैं वो ये हैं जो विवाह संस्कार और अग्यारी में जो फायर टेंपल होता है उसमें विवाह संस्कार होते हैं पारसियों के, वो संपन्न कराते हैं। बच्चों के जो संस्कार होते हैं जैसे ईसाई धर्म में बैप्टिज्म है या सिख धर्म में अमृत छकाना है, तो इस तरह के वो पारसी धर्म में जो ऐसे रिचुअल्स हैं वो ये संपन्न कराते हैं। और धार्मिक अध्ययन में इनकी बहुत गहरी रुचि है और इनकी बहुत सारी किताबें हैं, इनके बहुत सारे व्याख्यान हैं जो कई धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन और पारसी धर्म और इन सारी चीज़ों पर इनका एकदम ज़बरदस्त नॉलेज है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि कई बार तो ऐसा हुआ कि विदाउट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होते भी इन्होंने ट्रांजिस्टर और रेडियो भी ठीक किए हैं और ये इनका नेचुरल टैलेंट है। इस पर जब ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपे हुए राज बताए तो इस पर चीफ जस्टिस का जब बोलने का मौका आया तो उन्होंने कहा विकास जी के पास सारे जजों के बहुत सारे राज हैं, उनके पास तो ऐसे भी राज हैं जो हमें अपने बारे में खुद ही नहीं पता, वो विकास जी को भी पता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो पहली बार जस्टिस नरीमन के मामले में हुए, पहली बार उम्र का बंधन तोड़ा गया आयु का, और पहली बार ऐसा हुआ कि पांचवें ये ऐसे वकील थे जिन्हें बार से सीधे बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जजशिप के लिए ऑफर किया गया। कुछ खबरें, आसाराम बापू का नाम तो आपने सुना होगा, अभी वो रेप और इसके मामले में जेल में बंद है। उनके बेटे नारायण साईं उसी रास्ते पे चल रहे हैं, बाप के रास्ते पे। उन्होंने फरलो के लिए अप्लाई किया था और गुजरात हाई कोर्ट ने एकल जज की बेंच ने फरलो मंजूर कर लिया था 2 हफ्ते के लिए। गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने कहा कि इनको दिसंबर में फरलो पे गए थे और उसके बाद जब से फरलो पे गए उसके बाद से जेल में इनके पास से मोबाइल मिले हैं, लिहाजा अभी इनको जाने का हक नहीं। तो कोर्ट इसको रोके, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को माना और फरलो कैंसिल कर दिया, यानी नारायण साईं अभी जेल में रहेंगे। गुजरात की लाजपुर जेल में वो बंद हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। चलते चलते एक और चीज़ बता दूं कि एक होता पैरोल और एक होता फरलो। पैरोल के लिए तो आपको कारण बताना पड़ता है और पैरोल 1 महीने तक मिल सकता है, लेकिन फरलो ऐसा है कि जैसे उम्र कैद और लंबी सजाएं जिनको मिलती हैं उनके कैदियों का मानसिक संतुलन बना रहे तो इसके लिए साल में 3 बार वो फरलो पे जा सकते हैं, यानी उनको छुट्टी मिलती है सजा में से छुट्टी, और वो छुट्टी सजा में से कटती जाती है, यानी सजा के साथ नहीं चलती, वो अलग होती है। साल में 3 बार कोई भी कैदी जिसको उम्र कैद जैसी सजा मिली हो या कई वर्षों की सजा मिली हो उसमें 3 बार वो फरलो पे जा सकता है। फरलो के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि फरलो
व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए कैदी को मिलता। कई बार तो कैदी परिवार बढ़ाने के लिए, परिवार में बढ़ोतरी के लिए, आप समझ सकते हैं, उसके लिए भी फरलों पे जाते हैं। बहन की शादी करनी है या बेटी की शादी करनी है या कोई माता पिता का श्राद्ध है या कुछ ऐसा अपनी वसीयत लिखनी है, कोई सामाजिक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाना है, तो उसके लिए भी फरलो मिलता है। उसके लिए कोई बड़ा कारण बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साल भर में 3 बार मिलेगा और 7 हफ्ते से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 बार में 2 हफ्ते। तो मैंने भी हिसाब लगाया कि अगर 3 बार मिलता और 2-2 हफ्ते से मिलता तो 6 ही हफ्ते होता है, फिर 7 हफ्ते का क्यों? तो ये इसलिए कि अगर कहीं 2-4 दिन की देरी या उसमें गुंजाइश ऐसी हो तो उसमें मैक्सिमम 7 हफ्ते का प्रावधान किया गया है और 3 बार वो फरलों पे, यानी कैदी को छुट्टी मिलती है। परोल पे उनके साथ पुलिस भी होती है, लेकिन फरलों पे जाने पे उनको ये बॉन्ड भरा जाता है और उसके बाद फिर वो छुट्टी पर आते हैं। उनको सारी चीज़ें अपने थाने में बताना पड़ता है, वो सारी चीज़ें एक कायदा है जिसके हिसाब से चलते हैं, यानी नारायण साई अभी जेल में ही रहेंगे। दूसरा, पर्यावरण को लेकर बड़ा मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि चुनाव प्रचार के दौरान जो प्लास्टिक के झंडे, बैनर, पोस्टर, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ, मार्च में 2020 में हमने नोटिफिकेशन भी ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है और इसमें सरकार भी गंभीर है इस मामले को लेकर, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए खतरा है और ऐसे में लोग झंडे और पोस्टर ये सब बांटते तो हैं, बैनर भी लगाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर वो सारी चीज़ें बकवास हो जाती हैं, वो ऐसे ही मिट्टी में, सड़कों पर, धूल में मिल जाते हैं और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यानी कुल मिलाकर ऐसी याचिकाएं भी चल रही हैं जिससे कि पर्यावरण को लेकर ये भी कहा गया कि NGT ने बहुत सारा इस मामले में आदेश दिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ खबरों के साथ और कुछ ऐसी खबरों के साथ जहाँ कुछ तो हम कैमरे पे आपको वकीलों की बाइट और याचिकाकर्ता की साउंड बाइट और उससे हम आपको बताते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या चलता है, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कई बार कैसे ऐसे मौके आते हैं जब कोर्ट और वहाँ मौजूद हर आदमी मुस्कुरा पड़ता है। ऐसे तो कोर्ट में बड़ी गंभीर सी बातें चलती रहती हैं और अधिकतर लोग बेंच भी और बार में भी लोग स्ट्रेट फेस लेकर बैठे रहते हैं, सिर्फ बातें सुनते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सुनने के साथ ऐसा कुछ देखा जाए जो आपको दिखा भी सके, इसलिए इसका नाम है सुनाओ संजय कानों देखी। आपको एक बार फिर हाजिर होंगे और कानों देखी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ आपके सामने, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ, आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।